हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी का। जैसा कि मैं बता दूं यहाँ पर आपको कि नारी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसके कार्य क्या है, उसके लाभ क्या है, सारी चीज़ों को जो है मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं बात बता दूं कि एक अभी जो है नारी सुरक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जो है एक प्रोजेक्ट तैयार की गई है, जिसके तहत जो है बिहार राज्य के या अन्य किसी भी स्टेट में जो है ये योजना जो है पिछले 16 वर्षों से चल रही है और बिहार में जो है अभी जस्ट स्टार्ट ही किया गया है। और आपका ये जो कार्य है ये क्या क्या होगा, इसके अंतर्गत कौन कौन से लोग बहाल होंगे, किस तरीके का वर्क होगा, तो सारी चीज़ों को जो है मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताने वाला हूँ। दोस्तों तो मैं बता दूँ आपको कि नारी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, इसको कहने से ही तात्पर्य होता है कि ये महिलाओं से रिलेटेड वर्क हो सकता है, ठीक है। तो ये इस योजना के नाम से ही पता चलता है दोस्तों। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको सारी चीज़ों को जो है डिटेल में, जो है आपको इस वेबसाइट पर लिखे हुए चीज़ों में जो है सारी चीज़ों को जो है विवरण करके बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात बता दूं कि नारी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का कार्य क्या है। तो सबसे पहले बात यहां पर आ रही है कि महिलाओं के महामारी स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु सरकारी एवं गैर सरकारी संस्था द्वारा विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ठीक है। दोस्तों सबसे पहली बात कि महिलाओं को जो महामारी स्वच्छता होती है, यानी कि महामारी से जो रिलेटेड है उसमें बहुत सारे अभी महिलाएं जो है वो पिछड़ी हैं, उसको जो है उजागर करने के लिए जो है सरकारी एवं गैर सरकारी संस्था जो है इस पर विभिन्न कार्यक्रम कर रही है, चलाए जा रहे हैं, एक अभियान चलाए जा रहे हैं। लेकिन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के नतीजे के अनुसार जो है संपूर्ण भारत में जो है 12% महिला ही जो है महामारी के समय सैनिटरी पैड का उपयोग कर पाती है, यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के नतीजे के अनुसार जो है पूरे भारत के लगभग 12% महिलाएँ ही जो है यहां पर आपको महामारी के समय सैनिटरी पैड का उपयोग कर पाती है, स्वच्छता रखती हैं और बाकी जो है वो इस महामारी का शिकार हो जाती हैं। एवं भारत में लगभग 23% जो छात्राएँ हैं, यानी कि भारत के लगभग 23% छात्राएं जिसको लड़की कह सकते हैं, वो महामारी शुरू होते ही जो है अपनी स्कूली शिक्षा छोड़ने पर जो है मजबूर हो जाती है। और महामारी के समय अस्वस्थता अनेकों महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर से लेकर जो है मृत्यु तक का यहाँ पर कारण बन जाती है। तो ये जो है यहाँ पर एक महामारी से रिलेटेड जो है एक अभियान चलाया जा रहा है, एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, एक योजना जो है सरकार के द्वारा गैर सरकारी संस्था के द्वारा जो है यहाँ पर आपको चलाए जा रहे हैं। इसमें जो है क्या किया गया है कि ऐसे में जो है हमारी संस्था, यानी कि आप देख रहे हैं लिच्छवी प्रांत करियर डेवलपमेंट LPCD के माध्यम से जो है एक योजना जो है वो यहां पर चलाई गई है, जो कि आपको बिहार राज्य के विभिन्न जिलों में जो है वो आपको चलाई जाएगी विभिन्न संस्थाओं के द्वारा, जो कि सरकार के द्वारा जो है ये किया गया है, एक नई पहल जो है वो यहाँ पर आपको की गई है। और मैं बता दूँ आपको कि बिहार के सभी जिलों के प्रखंड स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक जो है सभी वर्ग की महिलाओं को योजना के अंतर्गत जो है प्रखंड कोऑर्डिनेटर एंड आपको पंचायत कोऑर्डिनेटर बहाल किए जाएंगे, साथ ही साथ जो है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर भी बहाल किए जाएंगे और पंचायत लेवल पर वार्ड लेवल पर जो है वहां पर कैंप लगाकर जो है इस योजना का, इस महामारी को जो है दूर करने के लिए जो है अभियान चलाया जाएगा। और इसके अंतर्गत जो है हर महीने जो है इस पर जो है कैंप करेगी और शिविर के माध्यम से जो है लोगों को यहाँ पर जागरूक करने का जो है कार्य करेगी, साथ ही साथ जो है इसकी जानकारी भी जो है दी जाएगी कि महामारी के समय जो है सैनिटरी पैड का उपयोग करने से क्या क्या लाभ होता है। साथ ही साथ मैं बता दूं आपको कि अभी जो है कोरोना काल चल रहा है, जिसमें जो है COVID-19 जैसी वैश्विक महामारी से बचाव हेतु जो है क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इस पर भी जो है लोगों को जागरूक किए जाएंगे, साथ ही साथ जो है सभी लोगों को जागरूक करने का भी जो है यहाँ पर कार्य करना है और एवं स्वास्थ्य जाँच भी जो है यहाँ पर निःशुल्क किया जाएगा। ये भी एक जो है अच्छी पहल जो है वो यहाँ पर की गई है कि स्वास्थ्य जाँच जो है महिलाओं को जो है फ्री में किया जाएगा, उसके लिए कोई भी जो है यहां पर फी नहीं लिया जाएगा। और यहां पर जो है स्वास्थ्य सुरक्षा कार्ड बनाने के साथ साथ जो है उसी समय सभी महिलाओं को 6 महीनों का सैनिटरी पैड, 100 ml का हैंड सैनिटाइजर एवं अच्छी गुणवत्ता का एक मास्क भी जो है यहां पर दिया जाएगा, यानी कि जो पंचायत कोऑर्डिनेटर होंगे सभी महिलाओं को वहां पर जो है स्वास्थ्य सुरक्षा कार्ड बनाएंगे, उस स्वास्थ्य सुरक्षा कार्ड के तहत जो है उनकी हेल्थ के फैसिलिटीज दी जाएगी, जिसके अंतर्गत जो है वो बॉडी चेकअप करवा सकते हैं जो कि निःशुल्क होंगे, साथ ही जो है 6 महीने का सैनिटरी पैड भी उपलब्ध कराया जाएगा, 100 ml का सैनिटाइजर भी उपलब्ध कराया जाएगा, एक अच्छी गुणवत्ता का जो है मास्क भी यहां पर दिया जाएगा। इसके साथ साथ भी जो है और भी बहुत सारे ऐसे लाभ जो है वो यहां पर उनको जो है
उस स्वास्थ्य कार्ड के तहत जो है यहाँ पर दिए जाने वाले हैं। तो उद्देश्य के तौर पर क्या किया जा रहा, क्या कहा जा रहा है आपको, ये मैं बता दूँ कि हमारा उद्देश्य किसी धर्म विशेष नहीं, यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हिंदू या मुस्लिम के लिए, सभी धर्म के लोगों के लिए है। इसमें जो है किसी धर्म से रिलेटेड ये वर्क नहीं करना है, ठीक है, बल्कि मासिक स्राव जैसी कुदरती घटना की समाज में स्वीकारता दिलाना है, यानी कि महिलाओं से महामारी से रिलेटेड जो है इसमें वर्क करना है। नारी का जब दोगे मान तब होगा जग का कल्याण, महिला स्वास्थ्य हकदारी पुरुषों की भी जिम्मेदारी, ये नारी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का जो है यहाँ पर उद्देश्य है, नारा है यहाँ पर दोस्तों। और मैं बता दूँ कि इसके लाभ जो है क्या क्या होने वाले हैं इस योजना के तहत, तो इस योजना के तहत जो है किसी भी धर्म संप्रदाय की महिला को जो है यहाँ पर स्वास्थ्य कार्ड को जो है सुविधा उपलब्ध कराना है। और इस कार्ड के तहत जो है गाँव के जो बेरोजगार महिला होंगी उनको जो है मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा, मुफ्त सैनिटरी पैड, फर्स्ट एड का प्रशिक्षण देने का कार्य करने के साथ साथ जो है घर बैठे भी जो है स्वरोजगार जो है वो प्रदान यहाँ पर करना है, यानी कि वृद्ध एवं वृद्धा पेंशन भी दिया जाएगा, बच्चों के उच्च शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता, आपातकाल में मेंबर महिला को कभी भी जो है 10,000 रुपये का आंशिक ब्याज का लोन भी जो है यहाँ पर आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ जो है कोरोना वायरस से महामारी से बचाव हेतु निःशुल्क मास्क एवं सैनिटाइजर एवं निःशुल्क लघु उद्योग प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत जो है मुफ्त सिलाई कटाई ब्यूटी मोमबत्ती अगरबत्ती झाड़ू चिप्स पापड़ तिलौड़ी भुजिया मिक्सर निर्माण एवं मार्केटिंग की पूरी जानकारी की भी जो है यहाँ पर सुविधा संचालित कराई जाएगी, यानी कि जो है सेल्फ डिफेंस के तहत जो है उनको महिलाओं को जागरूक किया जाएगा कि आप खुद से जो है आत्मनिर्भर होकर जो है खुद से एक रोजगार पैदा कर सकती हैं, और कभी भी ऐसे पैसे की जरूरत पड़ेगी तो आप जो है खुद से जो है वहाँ से 10,000 रुपये का आंशिक ब्याज के दर पर जो है लोन भी जो है आप ले सकती हैं। तो ये इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ जो है वो इस योजना के तहत जो है दोस्तों यहाँ पर दी जानी है। साथ ही साथ मैं बता दूँ कि जिससे कि समाज के हर वर्ग की महिलाएं जो है कि हर पंचायत में कार्य को सुनिश्चित किया जाना है, ठीक है। तो ये जो है आपको यूपी बिहार और झारखंड के हर पंचायत में जो है इसका कार्य स्टार्ट किया जा रहा है, और पिछले 16 वर्षों से जो है पूरी तरीका से जो है भारत सरकार द्वारा यह वित्त पोषित है। वह राजस्थान हरियाणा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्यों में सफलतापूर्वक जो है यह आपका संचालित है दोस्तों। तो ये जो है आपका नारी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना से रिलेटेड जो है यहाँ पर कार्य करने हैं, इसका उद्देश्य है, इसके मुख्य जो है लाभ होने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि नारी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना अंतर्गत जो है विभिन्न प्रकार की जो भी योजनाएं आएंगी इससे रिलेटेड जो भी आते रहेंगे मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जो है दोस्तों यहां पर बताते रहूंगा। और फिलहाल जो है बिहार राज्य के वैशाली डिस्ट्रिक्ट में जो है इस योजना के तहत जो है बहाली की प्रक्रिया जो है वो यहां पर कराई जा रही है, जो कि आप देख सकते हैं कि lpcd.in के माध्यम से जो है यहां पर इसका ऑफिशियल साइट है, जहां से जो है आप यहां पर रिक्वायरमेंट पर जाकर जो है डाउनलोड नोटिस भी जो है डाउनलोड कर सकते हैं, अप्लाई करने के लिए भी जो है आप यहां पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसके होम वाले बटन में जाएंगे तो आपको जो है सारा डिटेल जो है आपको यहां पर दिख जाएगा, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो है इसका ऑफिशियल होम पेज है, जिस पर लेटेस्ट न्यूज में आप देख सकते हैं कि नारी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना अंतर्गत जो है बिहार राज्य के वैशाली जिला से प्रखंड और पंचायत स्तर पर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर एवं पंचायत कोऑर्डिनेटर के जो है के लिए जो है ऑनलाइन आवेदन जो है आमंत्रित किए जाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है ये सारी जानकारियाँ थी। अगर आपने ये फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो फॉर्म फिलअप कीजिए, और जब ये इसका जो बहाली के जो प्रोसेस है वो आपको साक्षात्कार के माध्यम से यानी कि इंटरव्यू प्रोसेस के साथ साथ जो है मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा और उसके आधार पर जो है इसका चयन कराया जाएगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।